मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित इस जबलपुर शहर को इसकी खूबियों के लिए तो हम सभी जानते हैं, यह विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जबलपुर ने अपना नाम जबलपुर कैसे पाया? इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। बताया जाता है कि जबलपुर शहर संस्कारधानी महर्षि जुवाली की तपोभूमि बताई जाती है, जिनके नाम पर इस जबलपुर शहर का नाम जबलपुर रखा गया। इस बारे में जब हमने गुप्तेश्वर में बैठे मुकुंददास महाराज जी से इसकी चर्चा करी तो उन्होंने बताई इसके पीछे की पूरी कहानी कि इस शहर का नाम जबलपुर कैसे पड़ा और इसके पहले इसका क्या नाम था और महर्षि जवाली के नाम पर इस शहर का नाम जबलपुर क्यों रखा गया। क्षेत्र का नाम जबलपुर कैसे पड़ा इसके बारे में आप देखो, यहाँ पर जो त्रिपुरी है, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जो तेवर में आपने देखा होगा, जो गढ़ा है त्रिपुरी की चौक कहलाता है। तो यहाँ पर जो राजा गढ़ा के जो गढ़वाल कहलाते थे पहले, या राजा देवी जी क्या नाम था उनका, दुर्गावती जो थी यहाँ पर, जिनका मदन महल बना हुआ है, तो ये त्रिपुर सुंदरी तो था, लेकिन उसी समय वो पुरानी बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ, और चूँकि महर्षि जावाली से जुड़ा हुआ है ये, और जो त्रिपुर काल है उसमें भी, अभी भी आप आज भी वर्तमान में यदि आप कैमरा लेकर के वहाँ जाएंगे रेलवे स्टेशन में, तो जो हमारा जबलपुर रेलवे स्टेशन थोड़ी सा और आगे बढ़ेंगे आधार ताल के पास में, जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं उनकी कैबिन वगैरह, उसमें अभी भी जावालीपुरम लिखा हुआ है, जबलपुर करके जावालीपुरम, जो उस समय में यहाँ पर अंग्रेज भी आए थे तब भी, तो वो लोग भी उसको जावालीपुरम ही बोलते थे, जबलपुर एंड जावालीपुरम। तो ये बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक है, महर्षि जावाली के कारण ही इनका नाम जो है जावालीपुर पड़ा था। महर्षि जवाली ऋषि ने से क्या किया था जिसके नाम पे उनका नाम जबलपुर रख दिया गया? हाँ, चूँकि महर्षि जवाली जब सुतिष्ठ के आश्रम से यहाँ पर तपस्या करने आए थे नर्मदा के तट पर, है ना, और यहीं गुफा के ऊपर ही तपस्या कर रहे थे, और तपस्या के पश्चात भगवान राम और जो मैंने पहले चर्चा करी कि अंदर गुफा में भगवान ने स्थापना करी, शिव और राम का मिलन हुआ, उन शिव और राम ने कहा कि आज हमारा ये सौभाग्य बना क्यों, तब पता चला कि ये तो जवाली कर्ण बना है, तो दोनों ने जवाली को आशीर्वाद दिया। तो दोनों जन जब जवाली नीचे आए, मतलब गुफा के पास में आए, तब भगवान ने, वो विचलित तो था ही, परेशान था ही कि मैंने आपके साथ में अनैतिक बातें करी और आपने इतनी बड़ी कृपा करी, आप करुणा सागर हो, करुणातीत हैं, है ना, पतित पावन हो, कि हम मुझ जैसे अधम को, पतित को भी पावन करने के लिए आप उतनी दूर से यहाँ तक चल के आए। और तब भगवान ने कहा, नहीं भाई, तेरे कारण तो मेरे को शिव के दर्शन हो गए। तो दोनों ने आशीर्वाद दिया कि तेरे नाम से कण कण जाना जाएगा, ये भी प्रमाण है वहाँ पर। तब ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि मुनि आते थे, वो जो रानी दुर्गावती की बात किया, सब वो जावाली जावाली के कारण आए कि जावाली जी कहाँ हैं, जिनको कि भगवान राम और शिव आके दर्शन दे रहे हैं। तब फिर जावालीपुरम में जावाली का नाम चला कि वो जावाली, वो जावालीपुरम, वो जावाली का कण कण है ऐसा।